जो तो है मतलब गैर मर्दों के साथ सबके साथ वो गलत संबंध बनाती थी सबके साथ का वीडियो भी रखी है ऐसे इनको भी फंसाना चाहती थी अगर ये फंसे नहीं तो इनको जान से मरवा बिल्कुल फंसी हो जाए ऐसी लड़की को तो फूंक दे बर जाए तुरंत मिले फूंक दे कुछ लड़कियाँ सास ससुर को भी बर्बाद कर दे रही हैं घर आके नाटक करती हैं सास ससुर को परेशान कर देती हैं घर में मारपीट करेंगी जबरदस्ती रहेंगी बोलेंगी हम रहेंगे यहीं पे रहेंगे जाएंगे भी नहीं रहेंगे भी जीने भी नहीं देंगे ऐसी ऐसी तो घर में औरतें आ गई हैं आप लोग जो है आरती के घर गई थी उनके भाई का मर्डर कर दिया गया था बताया जा रहा है कि उनकी जो प्रेमिका थी उसने ही करवाया था आप लोग गई थी के? बिल्कुल गए थे और हमें पता भी चला कि मतलब वो सारी चैट भी हमारे पास है वीडियो भी हमारे पास आया है ये ऐसी ऐसी बात है लेकिन हम अपने चैनल पर अभी डाले नहीं हैं लेकिन डालेंगे उसका चैट उसका जो वीडियो है आ, मतलब गैर मर्दों के साथ सबके साथ वो गलत संबंध बनाती थी सबके साथ का वीडियो भी रखी है ऐसे इस इनको भी फंसाना चाहती थी अगर ये फंसे नहीं तो इनको जान से मरवा दिया गया ये कहाँ का इंसाफ है बताइए आप बता रहे थे कि लड़कों को ले जाती थे होटल में हाँ। फिर वीडियो बना करके ब्लैकमेल कर ब्लैक मेल करके ऐसे पैसा कमाती थी उसको लड़के को दिखा दिखा के ऐसे पैसा कमाने का उसका धंधा था अगर आप पैसे नहीं दोगे अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो वीडियो लीक करूँगी फिर फर्जी केस में आपको फंसाऊंगी तरीक, ये तरीके थे उसके उसके तरीके थे और इनसे तो शादी करने के लिए मुझसे शादी करो ये करो वो करो तो ये मना कर रहा था और जैसे वो इनके मोबाइल में देख लिया था सारी चीज तो बात ये हो गई कि उसके कान तक ये लीक बात लीक हो गई इसीलिए वो मरवा दी कि जब ये रहेगा नहीं तो हमारा बात खुलेगा नहीं इसके हाथ में मेरा प्रूफ चला गया है बस इसीलिए वो मरवा दी कहीं ना कहीं लड़की जो है सबूत मिटाने के लिए मिटाने के लिए इसको मिटा दी लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग न्याय दिलवाइए और ये ऐसे अगर होगा तो लड़कियाँ पे कौन भरोसा करेगा लड़कियाँ बहुत गलत निकल रही हैं आज के ज़माने में जो कि उनको सरकार के तरफ से फुल सपोर्ट है इसीलिए लड़कियां कुछ भी कर रही हैं मतलब कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो कि जो कम्यूटी को बर्बाद एकदम बर्बाद करके रखी उसका फ़ायदा उठा रही हैं बच्चे से भी और सबसे भी सास ससुर से भी लड़कियां फ़ायदा उठा रही हैं हर जगह कि हमारा सुनवाई होगा सास ससुर की सुनवाई नहीं होगी लड़कियाँ सोचती हैं हम जो बोल देंगे वो हमारा सुनवाई होगा लड़के को कुछ भी हो जाएगा तो लड़के मजबूर हो मतलब हो जाते हैं लड़कियाँ के पीछे उनको मजबूर होने मतलब पूरा हर तरह से मजबूर कर देती हैं लड़कियाँ है तो ये सारी चीज़ें सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि इसको भाई रोक लगाया जाए और जांच पूरी तरह से जांच होनी चाहिए अच्छा वो जब शादी सा, के लिए भी कह रहा था तो वो लड़की कह रही थी इनसे शादी भी साधी करेगी तो तो खाली उसका बहाना था शादी करने का उसका एक जगह शादी तो फिक्स हो गई शादी फिक्स हुआ था तो इसीलिए वो बोल रहा था जब एक जगह शादी फिक्स हो गई है तो हम क्यों करें शादी भाई और आपके मोबाइल में सारा प्रूफ है मतलब दूसरे लड़के के साथ सारा गलत संबंध बना ये नसीड़ी है तो कौन कौन, लड़, कौन लड़का शादी करेगा तो इस... आरती बता रही थी उनके भाई बता रहे थे कि वो कहीं पर दारू रूपी के, के सो भी जाती थी तो ये हाँ, जाते जाते थे कुछ भी हाँ मैं तो वीडियो मेरा मेरे पास आया है बीड़ी पी रही है बत, सारा वीडियो मेरे पास है सब बहुत गलत हुआ है उसके साथ अब मतलब जहाँ देखो बस यही कहानी जहाँ देखो बस यही कहानी लड़के लड़की मर जा रहे हैं लड़की कुछ भी कर दे रही है लड़के को मरवा दे रही है ऐसे संध्या यादव के भाई के साथ भी यही हाल इस यही म, उस वो भी माजरा यही लड़की का ही था उनका भी जो संध्या यादव के भाई को मार दिया, दिया गया दिया। था यही माजरा था लड़की के ही चक्कर में वो भाई मारा गया बताओ ऐसे ऐसे लोग मतलब परेशान कर देते किसी का भाई हो सबको दुख होता है तो आप लोग क्या चाहते हैं लड़की के साथ क्या किया जाना चाहिए और जो बाकी आरोपी हैं उसका मंगेतर उसका भाई सबको सजा होनी चाहिए भाई सबको फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि दूसरी लड़की ऐसी हरकत ना करे किसी भी लड़के के साथ इतना परेशान ना किया जाए किसी को इसका मतलब नहीं है हमारी सुन, हम भी एक लेडीज हैं हमारी सुनवाई हो हम तो किसी को फंसा सकते हैं इसका मतलब थोड़ी ना हम किसी का फायदा उठा लें किसी को परेशान करें इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है तो कहीं ना कहीं कानून में भी लड़की के होने का फायदा उठाए उठा ही रही है ना मतलब आप लड़की हो तो आप किसी भी तरह से लड़के को परेशान कर सकती हो मतलब सरकार नियम क्या निकाल दिया है आप बच्चे को जान से मरवा दे प्रताड़ित होती हैं उनके लिए सरकार ने नियम बनाया है कि भाई जो प्रताड़ित हो रही उनके लिए ना वो भी हर तरह से जांच होनी चाहिए क्या सही है क्या गलत है कुछ लड़कियां सास ससुर को भी बर्बाद कर दे रही हैं घर आके नाटक करती हैं सास ससुर को परेशान कर देती हैं घर में मारपीट करेंगी जबरदस्ती रहेंगी बोलेंगी हम रहेंगे यहीं पे रहेंगे जाएंगे भी नहीं रहेंगे भी जीने भी नहीं देंगे ऐसी ऐसी तो घर में औरतें आ गई हैं ये कहाँ के नए है अभी चले जाएंगे थाने में तो उनकी सुनवाई होगी और सास ससुर की सुनवाई ही नहीं होगी तो आप लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से जांच होना चाहिए बिल्कुल सबका जांच होना चाहिए जो भी यहाँ केस भी करने जा रहा है सबका जांच होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है उसके बाद सजा मिलनी चाहिए नहीं तो निर्दोष ही हमेशा सजा मिलता है निर्दोष को ही सजा मिलता है जो दोषी होता है उसको सजा मिलती ही नहीं है कभी भी तो आप लोग चाहते हैं कि तन्नू को फांसी हो जाए बिल्कुल फांसी हो जाए ऐसी लड़की को तो फूंक दे बर जाए तुरंत मिले फूंक दे तो ऐसी बिल्कुल महिला कुछ कोई भी हो क्यों वो लड़का था तो उसका को, कोई वो नहीं है क्या मतलब लड़क, लड़का है तो उसका कोई सुनवाई नहीं होगी क्या वो लड़का है तो उसको कोई कुछ भी बोल दे लड़की हूँ तो लड़की की तरफ से बोलू चाहे लड़की कितनी भी गलत हो ज्योति मौर्य गलत थी तो क्यों सब लोग आवाज उठा रहे थे गलत थी तभी ना लोग आवाज़ उठा रहे थे इसका मतलब थोड़ी है वो लड़की है तो हम उसके ही पीछे रहेंगे गलत हो तो गलत हो बस गलत हो तो गलत है तो गलत है न्याय मिलना चाहिए आरती जौनपुरिया के भाई साहिल को किस तरीके से उनका कहना है कि कुछ तन्नू नाम की जो प्रेमिका रहती है और उनका मंगेता और भाई आते हैं और कहीं ना कहीं उनको मार देते हैं फिलहाल जांच चल रही है आप क्या सोचते हैं हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा